हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल माहम हिंदी किचन। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी है ये। बहुत सिंपल और बहुत ही यूनिक सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो ये चिकन है जो मैंने लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप किसी भी ब्रांड का जो है चिकन टिक्का का मसाले का जो है ले सकते हैं पैक। ये है विनीगर। विनीगर और लेमन में ऑप्शन है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर। हम लोग चिकन टिक्का ग्रिल बना रहे हैं, सीख पे नहीं बना रहे, कोयला पे नहीं बना रहे। तो ग्रिल के लिए हमें ये ज़रूरत है स्टिक्स की, जो मैंने ली हैं इस साइज़ की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन ले रही हूँ। सारा चिकन चलेगा। इसके बाद इसके अंदर ऐड होगा। तो इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का आप जो है मसाला ले सकते हैं यहाँ पे, टिक्का मसाला तो ये चला जाएगा। क्वांटिटी के हिसाब से होता है, तो चिकन के हिसाब से मैं लूँगी। 1 केजी में आप जो है पूरा पैक डाल सकते हैं, पूरा पैकेट। और ये है विनीगर 1 टेबलस्पून। अब इन हर चीज़ों को सबको मैं मिक्स कर लूँगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो सारा चिकन टिक्का का मसाला वगैरह मैंने सब लगा के मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसे तकरीबन 2 या 3 घंटे हम इसे मैरिनेट होने देंगे। उसके बाद हम इसे ग्रिल पैन में इन स्टिक्स के ऊपर फिट करके जो है बनाएंगे। गाइस आप इसे जितनी अच्छे से मैरिनेट करेंगे और जितनी देर इसे रखेंगे आप मैरिनेट करके, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। सो चलिए गाइस अब अपना अगला प्रोसीजर करते हैं। ये है पैन, ग्रिल पैन, जो के ऊपर से क्लोज होता है, जिसके अंदर जो चिकन है वो रोस्ट वगैरह होता है और काफ़ी सारे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर दिए हैं इसने। अक्सर हमें जो है कोयला पहले चाहिए होते थे, फिर सीख के ऊपर लगाना चिकन और फिर उसको चिकन टिक्का रेडी करना। बट ये बहुत इजी सा है। इसके अंदर बस आप जो मैंने आपको स्टिक्स दिखाई हैं उसके अंदर सेट करो चिकन को और इसके अंदर रख दो। तो इसकी ग्रिल्स के ऊपर पकता है, ज़्यादा नहीं जो यूज़ होता ऑयल, 2 टेबलस्पून के अंदर जो है आपकी डिश रेडी हो जाती है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है, और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यही है कि आप मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए सीख कबाब, आप सीख कबाब सीख के ऊपर कोयला के ऊपर स्मोक के साथ भी बना सकते हैं इसे। और मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ओवन में भी इसको कर सकते हैं। सो गाइस इसे ओवन में अगर आप करेंगे बेक, तो ये है बेकिंग ट्रे, ये है ट्रे। और जब आप चिकन को इसके अंदर करेंगे तो इसमें आपको ये स्टील की इसी के साथ में सीखें मिली हैं, जिन बारबेक्यू सीख्स हैं जिनके ऊपर लगा के हम इसे इजीली कर सकते हैं। और अगर इनकी इंस्ट्रक्शन पे बात आ जाए तो ये है इसकी इंस्ट्रक्शन सारी। तो चलिए मैं इसकी इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। ये है टाइमर, मिनट्स हैं, डिग्रीज हैं। तो मगर 90 पे इसकी डिग्री कर दूंगी। और ऑलरेडी ये मैंने ग्रिल पे कर दिया, इसका फंक्शन हम ग्रिल पे कर देंगे। ये ग्रिल का ऑप्शन भी है यहाँ पे छोटा सा, इज अ लोट ऑफ ऑप्शंस। ग्रिल पे मैंने कर दिया है और अब मैं जो है इसका टाइमर सेट करूँगी। तो मैं 20 पे इसे ऑन कर दूँगी और ऑलरेडी ये ऑन हो चुका है। सो गाइज इसमें मैंने आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस बताए हैं कि आप इस मेरी इसी रेसिपी को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओवन में भी बना सकते हैं आप, इसे ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं आप, इसे सीक पे स्मोक के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको चूज़ करते हुए बनाऊंगी क्योंकि मेरी रेसिपी इसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि मैंने ग्रिल पैन में बनाना जो है बनाना सबसे स्टार्ट ही मैंने इस पे किया था, उसके बाद मैंने ओवन में भी ट्राई किया। तो मैंने आपको, अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो मैंने आपको ओवन की इंस्ट्रक्शंस भी सारी दे दी हैं, तो आप लोग उसमें भी कुक कर सकते हैं। ओके जी, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम अपनी जो है ये स्टिक्स के अंदर जो है एक स्टिक लूँगी
और उस पर मैं चिकन को लगाऊंगी। किस तरह से लगाना है मैं अभी बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको एक एक करके जो है चिकन के तमाम पीसेस को जो है वो इसके ऊपर लगाते जाना है। और मेरे चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है ऑलरेडी, तकरीबन ये 2-3 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इस तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी करूँगी और रखती जाऊँगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या करें। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे सारे स्टिक्स के ऊपर लग चुका है चिकन और रेडी है बिल्कुल। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे जस्ट। अगर आपको कहीं से मेरी किसी इंस्ट्रक्शन की समझ ना आई हो, कहीं से कोई भी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब मैं चिकन को रखूँगी। तो इतने मज़े के हमारे रेडी होंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल मुझे इसको बस ढकना है। तो मैं इसका इसको नीचे कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए, मुझे बस छोड़ दिया मैंने इसको यहीं पर, और ये हल्की आंच पे पकेगा। उसके बाद मैं इसको बस हल्का सा इसमें लेमन थोड़ा सा डालूंगी इन पर, और बस दिखाऊँगी आपको कि कितना मज़े का हमारा ग्रिल पैन में रेडी होता है। गाइस अभी मैं आपको अपने चिकन की सारी दिखाती हूँ सिचुएशन क्या है इस टाइम। इसको चेंज कर लेती हूँ साइड्स, अच्छे से हम इसे कुक होने देंगे। ओके जी, ऑलराइट गाइस, यहाँ हमारा चिकन टिक्का की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है, और प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक और नई और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल माहम हिंदी किचन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ऑलराइट गाइस, यहाँ हमारा चिकन टिक्का की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है, और प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक और नई और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल माहम हिंदी किचन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ऑलराइट गाइस, यहाँ हमारा चिकन टिक्का की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है, और प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक और नई और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल माहम हिंदी किचन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।